गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज अनुपमानी। तो आप सभी आज मेरे साथ पढ़ने वाले हैं संयुक्त व्यंजन। ठीक है, तो पिछली क्लास में जैसा कि आप सबने पढ़ा था स्वर और व्यंजन और तथा उनकी मात्राएं, तो मैं पिछली वीडियो में ये डिस्कशन की थी कि हम स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं और उनकी मात्राएं किस प्रकार से होती है। तो बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन क्या होता है, किस प्रकार से हम उसे उपयोग करते हैं, तो इसके बारे में हम आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं। बच्चों, तो बच्चों तुमने व्यंजन जब लिखा, ठीक है, उसमें तुमने चार अक्षर ऐसे लिखे होंगे, छ, त्र, ज्ञ और श, ये चार संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ये चारों अक्षर जो होते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन ही कहलाते हैं हिंदी वर्णमाला में। तो छ, त्र, ज्ञ और श, ये हमारे चार संयुक्त व्यंजन है। तो बच्चों, छ जो होता है तुम कैसे इसको करते, देखो, ख प्लस छ क्या बन गया, छ, क्या बन गया, छ। अब छ से कौन कौन सा शब्द होता है, तो कप श, कप श और रक्षा होता है ना, कक्षा, रक्षा होता है, फिर होता है और भी बहुत सारे शब्द है बच्चों, जैसे कि भिक्षा, भिक्षा। तो इस प्रकार से क प्लस श हमारा क्या बन गया, छ, क प्लस छ छ बना, क्या बना, छ, यानी छ से क्षत्रिय। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट क्या कह सकते हैं, क्षत्रिय। उसी प्रकार बच्चों, अब त्र, त्र है, ये सभी जानते हैं कि त्र है, तो त्र प्लस त्र क्या बन गया हमारा, त्र, त्र प्लस त्र हमारा बन गया त्र। तो बच्चों, त्र से और क्या क्या शब्द होते हैं, तुमने देखा जा।